खाना इतना ज्यादा बच गया है, लोग तो आए। अरे तो भाई काम आ जाएगा ना, अभी मेहमान भी तो आए हुए हैं। कुछ मैं क्या कहा भैया, देखे जरा उन दोनों आशु और रूनी कैसे स्टेज पर बैठ के चोचे लड़ा रहे। कौन हम पर हंस रहा है? हाँ लोग तो हंसेंगे ही ना, अगर इस उम्र में शादी करोगे। जिम्मेदारी निभाने का काम है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। आजकल के बच्चों ने तो इसको खेल तमाशा समझ रखा है। एक सेकंड, मैं हाशु के बच्चे को 3-4 जूते लगा के आता हूँ कस के, फिर ठंड प्रोग्राम शुरू हो जाए। मुझे तो वैसे ही शादी सिरे चढ़ती नजर आ नहीं रही, मुझे तो लगता है दोनों ही भाग जाएंगे बहुत जल्दी। सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल फोन है, पेंसिन के फोन लेता हूँ, देखता हूँ अब ये मैदान छोड़कर कहाँ भागते हैं। ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था, मगर वेरी गुड आइडिया, बिल्कुल सही कर करे करे। अगर बैन कर दे कि कैंसिल कल्चर हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम रुको मैं लगाती हूँ तुम्हारी। मैं मजाक कर रहे थे बाबूजान। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी तुम्हें अपने बाप से मिलेंगे अगर तुम दोनों ने इंसानों की तरह बिहेव किया तो। चुप, कैसा चढ़ाता रहता। ये रखो, दे बाबू ये लो, और वापस मत देना। ऐसे कल का फील कर रहा है। खुश? तुम खुश? हाँ। अबे चुप बैठ जा।